शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते किसी किसी के साथ में विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर अभिषेक कराकर पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। और नाम याद रखना पिपलेश्वर, जम के बोलिए पिपलेश्वर महादेव। पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। जब किसी विशेष परिस्थिति में फंस जाओ, जब आपको लगे कि ऐसी विषम परिस्थिति में हम फंसे हुए हैं, भगवान कोई रास्ता निकालिए, तो एक काम करना 5 बेलपत्र लेना। अगर कोई विषम परिस्थिति में फंसे हो, निर्णय नहीं मिल रहा, मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा और ऐसा लग रहा है कि हमारा यह कार्य होना चाहिए पर किस निर्णय पर जाओ, ये वाली जॉब करूं, ये वाली जॉब करूं, ये वाला मकान खरीदूं, ये वाला खरीदूं, बेटी को पढ़ने भेजूं ना भेजूं, बेटे को वहां भेजूं ना भेजूं, बेटे का संबंध यहाँ करूं ना करूं, बेटी का संबंध वहां करूं यहाँ करूं। जब कहीं विषम परिस्थिति में फंस जाओ, कोई निर्णय नहीं निकल रहा हो, कोई निर्णय तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो 5 बेलपत्री और 5ों बेलपत्री की जो नीचे की जो डूट होती है, यहाँ का जो भाग होता है, जो डंडी होती है, इस डंडी पर इत्र लगाओ, 5ों डंडी पर, जितने भी 5 बेलपत्री की 5ों डंडी पर इत्र लगाकर एक एक बेलपत्र बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर की पंचायत का नाम लेकर गणेश, विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य, इनका स्मरण कर अपना हाथ उस बेलपत्र पर रखकर भगवान से प्रार्थना करो कि अब मेरा निर्णय आपको सौंप दिया गया है, आपको जो निर्णय करना है 24 घंटे के अंदर मेरे हृदय से वो निर्णय आप करा देना और सत मार्ग पर पहुंचा देना। जब कोई कोई परिवार में निर्णय नहीं हो पा रहा हो, कोई विषम परिस्थिति में फंस गए हो, निर्णय होना जरूरी है, शिव की पंचायत में दे। एक बहुत सुंदर बात कहेंगे कि शिव पंचायत के अंतर्गत अगर शरीर में रोग भारी हो गया, बहुत बहुत तकलीफ है शरीर में, कष्ट है, बड़ा भारी रोग हो गया है, बहुत तकलीफ में अगर शरीर चल रहा है, तो निवेदन करूंगा आप प्रयास करिएगा अभीर गुलाल, अति बाजार में मिलती है अभीर गुलाल, शिव जी पे अभिषेक जब शंकर भगवान का होता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है तो जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, विद्वत जन ब्राह्मण होते हैं, वो आपसे कहते हैं अभीर चलाइए, गुलाल चढ़ाइए, तब शिव जी पर अभीर चढ़ाने के बाद 5 लोटा जल, 5 कलश जल के भर भर कर शंकर को चढ़ाना, पहले अभीर चढ़ना है,
अभीर जब चढ़ा दें, चढ़ाते समय आप अपनी रोग, अपनी बीमारी, अपने कष्ट को शंकर जी को कहें अभीर चढ़ाते समय, और उसके बाद में पांच लोटा जल समर्पित करें, पांच लोटा जल शिव जी को समर्पित करें। जब भगवान शंकर को पांच लोटा जल आप समर्पित करें, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन आप जल चढ़ाएंगे, जितना शरीर में रोग होगा, कष्ट होगा, बीमारी होगी, उसमें आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मात्र 15 दिन कर दे। पर शिव पंचायत के पांचों देवों का स्मरण होना चाहिए। पहला बोलते जाओ जल्दी गणेश जी, दूसरा भगवान विष्णु, तीसरा भगवान शंकर, चौथा माँ दुर्गा और पांचवा सूर्य नारायण। एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए। करना एकादशी, कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए, अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं, मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में राम कृष्ण शिव शंकर नहीं राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज, उससे भी जॉब सर्विस नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं। आपको लगे कि आपके घर में शांति बिल्कुल नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तकलीफ हमारे घर में, कुछ ना कुछ जरा सी बात पर विवाद होता ही है, तो प्रयास करिएगा कि आप काली तिल थोड़ी सी, एक काली मिर्ची और 7 लौंग, क्या क्या तिल चीजें हैं, काली तिल, काली मिर्ची, 7 लौंग, केवल ये हथेली में रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने दरवाजे से बाहर निकलकर किसी भी शंकर के मंदिर को समर्पित करिए। शिव पे नहीं चढ़ाने दें तो शंकर की चौखट पर रखिए, महाराज घर में कभी क्लेश नहीं होगा, बिल्कुल शांति, सहजता, प्रेम आपस में बढ़ेगा।